आज की इस वीडियोज में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी की सेकंड यूनिट माइक्रोबियल वर्ल्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें हमने पिछले वीडियोज में माइक्रोबियल वर्ल्ड के पहले टॉपिक बैक्टीरिया के शेप स्ट्रक्चर और उसके पूरे फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में हमने आपको बता दिया था। आज की इस वीडियोज में हम बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन जो है वह किस तरीके के आधार पर किया जाता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन के ऊपर है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन की बात करें तो बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन है वह उसके आधार पर, उसके शेप साइज के आधार पर भी होता है। तो आज का हमारा जो वीडियो है वह बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन है वह उसके शेप साइज के आधार पर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं समराइजिंग क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ उसके शेप और साइज के आधार पर। तो अगर हम इसमें पहले पॉइंट की बात करें तो इन द ईयर ऑफ 1872 में साइंटिस्ट कोहेन एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बैक्टीरिया को चार मेजर टाइप में डिवाइड किया उसके शेप और साइज के आधार पर। जो 1872 में साइंटिस्ट कोहेन हैं, इन्होंने बैक्टीरिया को उसके शेप और साइज के आधार पर उसे चार भागों में डिवाइड किया। पहला जो है कॉक्सी, दूसरा बैसिलस, तीसरा वाइब्रो और चौथा जो है वह स्पाइरिला। तो इन्होंने बैक्टीरिया को क्या किया उसके शेप और साइज के आधार पर, कोहेन साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने बैक्टीरिया को शेप और साइज के आधार पर उसे चार भागों में डिवाइड कर दिया। तो इसमें जो पहला है, पहला कोक्सी है, इसको चार भागों में डिवाइड किया, जैसे हमने आपको बताया पहला कोक्सी, बैसिलस, वाइब्रो और स्पाइरिला। तो कोक्सी को सबसे पहले हम समझते हैं कोक्सी होता क्या है। तो ये कोक्साई क्या होता है, कोक्साई टाइप के बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, इस तरीके के जो बैक्टीरिया होते हैं वह यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि एक ही सेल के बने रहते हैं, स्फेरिकल होते हैं, गोलाकार होते हैं और इपिथिकल शेप के होते हैं। यानी कि इस टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं वह यूनिसेलुलर होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, गोलाकार होते हैं और इपिथिकल होते हैं, ठीक। इसके अलावा आइदर दे मे रिमेन एज ए सिंगल सेल, इसमें ज़्यादातर सिंगल सेल पाए जाते हैं, और मे एग्रीगेट टूगेदर फ्रॉम वेरियस कॉन्फ़िगरेशन, और ये वेरियस कॉन्फ़िगरेशन के भी पाए जा सकते हैं। ज़्यादातर ये सिंगल सेल के पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये एग्रीगेट करके वेरियस कॉन्फ़िगरेशन के भी ये पाए जाते हैं। तो कोक्सी बैक्टीरिया ऐसे टाइप के बैक्टीरिया जो होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं और स्फेरिकल होते हैं, गोलाकार होते हैं और उनका इलिथिकल शेप होता है। या बैक्टीरिया जो रहते हैं ज़्यादातर एक ही सेल के पाए जाते हैं, सिंगल सेल के होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होते हैं वेरियस कॉन्फ़िगरेशन के भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद बैक्टीरिया का जो साइंटिस्ट कोहेन है उन्होंने जो दूसरा टाइप इसमें बताया बैसिलस का, तो बैसिलाई बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं, दीज आर रॉड शेप बैक्टीरिया, ये जो होते हैं रॉड शेप होते हैं, यानी कि एक रॉड की तरीके की होते हैं और सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं। जो बैसिलाई बैक्टीरिया होते हैं वो रॉड शेप होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, विच आइदर रिमेन सिंगली और इन पेयर, या तो ये पेयर में हो सकते हैं, जोड़े में हो सकते हैं, या फिर सिंगल हो सकते हैं। तो बैसिलाई बैक्टीरिया वे बैक्टीरिया होते हैं जो कि रॉड शेप के होते हैं और या सिलेंड्रिकल हो सकते हैं और यह जो रहते हैं या तो सिंगल रहेंगे या फिर पेयर में पाए जाएंगे, पेयर का मतलब जोड़े में पाए जाएंगे। तो एग्जाम्पल में इस बैक्टीरिया का जो एग्जाम्पल है वह है बैसिलस सीरेसस, यह इसका एग्जाम्पल है। अगला जो बैक्टीरिया है, अगला टाइप जो साइंटिस्ट कोहेन है उन्होंने जो अगले टाइप को बताया वह वाइब्रियो है। वाइब्रो बैक्टीरिया क्या होते हैं, दीज वाइब्रो बैक्टीरिया आज करवड़ का मतलब होता है घुमाओ, करवड़ का मतलब होता है घुमाओ, और कॉमा सेफ यानी कि जिस तरीके से हम लोग कॉमा लगाते हैं उस तरीके के बैक्टीरिया ये होते हैं। तो जो वाइब्रो बैक्टीरिया होते हैं वे कर्व होते हैं, घुमावदार होते हैं और कॉमा सेफ के होते हैं, एंड रिप्रेजेंटेड बाई ए सिंगल जीनस, इसमें एक सिंगल जीनस पाया जाता है जिसे वाइब्रो कैलोरी बोलते हैं, जो कि कॉलरा का काजल एजेंट है, कॉलरा जिसके द्वारा काज किया जाता है, कॉलरा जो बीमारी होती है वह वाइब्रो कैलोरी नाम के बैक्टीरिया के द्वारा होती है जो कि वाइब्रो के अंतर्गत आती है, ठीक। इसके अलावा अगला जो इसमें है साइंटिस्ट कोहेन ने जो अगले टाइप को दिया हुआ है स्पाइरिला। स्पाइरिला क्या होता है, दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर स्फेरिकल आर स्प्रिंग लाइक, जो स्पाइरिला बैक्टीरिया होते हैं या तो ये गोलाकार होंगे या फिर स्प्रिंग लाइक होंगे, स्प्रिंग लाइक जैसे स्प्रिंग होती है उस तरीके के होंगे, और मल्टीपल कर्वेचर है या इसमें मल्टीपल कर्वेचर पाए जाएंगे एंड टर्मिनल फ्लैजिला, और इसमें एक फ्लैजिला भी
पाया जाएगा। तो इसमें एग्जाम्पल जो है स्पायरुलम वोलुटेंस जो है इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक, तो ये बातें हो गई कि जो साइंटिस्ट कोहेन है इन्होंने बैक्टीरिया को चार भागों में डिवाइड किया उसके शेप और साइज के आधार पर, पहला जो कोक्सी, दूसरा बैसिलस, तीसरा वाइब्रियो और चौथा जो है स्पायरुला। अब हम एक एक थोड़ा डिटेल देखते हैं कि कोक्सी बैक्टीरिया जो रहते हैं उनमें किस तरीके का कोक्सी बैक्टीरिया जो रहता है वह किस टाइप के, उसमें कौन कौन से और टाइप पाए जाते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ कोक्साई की अगर बात करें, इसमें जो कोक्साई जो रहते हैं उसके अरेंजमेंट की अगर बात करें पहले बैक्टीरिया की कोक्साई की, तो इसमें पहला जो होता है वह मोनोकॉकस होता है। मोनोकॉकस का मतलब क्या होता है, दे आर आल्सो कॉल्ड माइक्रोकॉकस, इसे हम लोग माइक्रोकॉकस भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, एक ही राउंड पाया जाता है। जैसा कि हमने बताया जो कोक्साई बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और स्फेरिकल होते हैं, गोलाकार होते हैं। तो अगर एक ही स्फेरिकल पाया जाएगा, एक ही गोला पाया जाएगा, तो उसे हम लोग मोनोकॉकस के अंतर्गत रखेंगे। ठीक, अगर वहीं पर दो राउंड पाए जाएंगे, दो स्फेरिकल पाए जाएंगे, तो उसे हम लोग डिप्लोकॉकस के अंतर्गत रखेंगे। ठीक, तो मोनोकॉकस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो दे आर आल्सो माइक्रोकॉकस, इसे हम लोग माइक्रोकॉकस भी बोलते हैं, और रिप्रेजेंटेड बाई सिंगल डिस्क्रीट राउंड, इसमें एक सिंगल डिस्क्रीट राउंड पाया जाता है। एग्जाम्पल में जैसे माइक्रोकॉकस फ्लेविस, माइक्रोकॉकस फ्लेविस जो है इसका एग्जाम्पल है मोनोकॉकस का। ठीक, इसके बाद कोक्साई बैक्टीरिया के अरेंजमेंट के आधार पर जो अगला जो है वह डिप्लोकॉकस है। अब डिप्लोकॉकस क्या होता है, द सेल ऑफ द डिप्लोकॉकस डिवाइड वन इन ए पार्टिकुलर प्लेन, जो सेल होती है डिप्लोकॉकस की वह एक पार्टिकुलर प्लेन में डिवाइड रहती है, एंड आफ्टर डिवीजन दिस सेल रिमेन अटैच टू ईच अदर, आफ्टर डिवीजन होने के बाद दोनों सेल जो रहती है आपस में अटैच हो जाती है। यानी कि जो अलग अलग कोकस रहते हैं, यानी कि जो जो अलग अलग स्फेरिकल रहते हैं, ये दोनों आपस में जाकर अटैच हो जाते हैं। इस तरीके की जो अटैचमेंट जो रहती है उसे हम लोग डिप्लोकॉकस के अंतर्गत रखते हैं। तो जो डिप्लोकॉकस बैक्टीरिया होता है या इसमें पार्टिकुलर प्लेन पे इसमें क्या होता है, डिवीजन हो जाता है, पार्टिकुलर प्लेन पे इनका डिवीजन हो जाता है और ये दोनों आपस में आकर अटैच हो जाते हैं। तो इस तरीके की जो बैक्टीरिया रहती है उसे हम लोग डिप्लोकोकस के अंतर्गत रखते हैं। इसका एग्जांपल जो है डिप्लोकोकस निमोनी है। डिप्लोकोकस निमोनी क्या है, यह एक निमोनिया का क्लाजल एजेंट है। ठीक, इसके बाद अगला जो है वह स्ट्रेप्टोकॉकस है। जो कोक्साई बैक्टीरिया का जो अगला टाइप है वह स्ट्रेप्टोकॉकस है। स्ट्रेप्टोकॉकस क्या होता है, स्ट्रेप्टोकॉकस में क्या होता है, जो जो स्फेयरकल रहते हैं, यानी कि जो इसमें अरेंजमेंट ऑफ जो स्फेयर रहता है वह एक चेन में होता है। ठीक, एक चेन में होता है, तो उसे हम लोग स्ट्रेप्टोकॉकस के अंतर्गत रखते हैं। हेयर दिस सेल डिवाइड रिपीडेडली इन वन ऑफ प्लेन टू फॉर्म ए चेन ऑफ सेल, यहाँ पर जो सेल्स रहती है वह डिवाइड करके एक प्लेन के रूप में चेन का फॉर्मेशन करती है, उसे हम लोग स्ट्रेप्टोकॉकस के अंतर्गत रखते हैं। स्ट्रेप्टोकॉकस का एग्जांपल जो है स्ट्रेप्टोकॉकस पाइजिनेस, यह इसका एग्जांपल है। फिगर भी आप देख रहे हैं स्ट्रेप्टोकॉकस का एक चेन के रूप में यहाँ पर बैक्टीरिया इसका अरेंजमेंट यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक, इसके बाद अगर हम अगले की बात करें तो इसके बाद जो अगला है वह टेट्राकॉकस है। यानी कि जो हमारा कोक्साई बैक्टीरिया है उसका जो अगला टाइप यहाँ पर है वह टेट्राकॉकस। टेट्राकॉकस क्या होता है, टेट्राड का मतलब होता है चार जोड़ी, टेट्राड का मतलब होता है, ट्राई का मतलब तीन होता है, टेट्राड जहाँ वर्ड यूज हो उसका मतलब होता है चार। तो टेट्राड का मतलब इसमें जो राउंड जो शेप इसके रहेंगे वो कम से कम चार रहेंगे। ठीक, तो टेट्राकॉकस क्या होता है, टेट्राड बैक्टीरिया आर अरेंज इन ए ग्रुप ऑफ फोर सेल। टेट्राड बैक्टीरिया जो रहते हैं वह चार सेल का एक ग्रुप होता है, दैट रिमेन्स अटैच वन ग्रो इन दी अटैचमेंट आफ्टर सेल डिवीजन। ये आपस में क्या करते हैं, सेल डिवीजन के बाद आपस में अटैच हो जाते हैं। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम लोग टेट्राड बोलते हैं। ठीक, तो दिस अरेंजमेंट रिजल्ट व्हेन दिस सेल डिवाइड इनटू टू प्लेन्स, ये यह रिजल्ट कब होता है, जब ये दोनों प्लेन से इनकी सेल डिवाइड हो जाती है, तो उसे हम लोग टेट्राकॉकस के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि एक टेट्राड का फॉर्मेशन करते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है एरिकोकॉकस, पेडियोकॉकस और टेट्राजिनस, टेट्राजिनोकॉकस, ये इसके सब एग्जाम्पल हैं। ठीक, अगला जो इसका है कोक्साई बैक्टीरिया का जो कोक्साई जो है उसका जो अगला टाइप है वह सेरिसिनी है। सेरिसिनी क्या होता है, इन दिस केस दिस सेल डिवाइड टू फॉर्म क्यूब ऑफ 8 to 64 आर मोर बैक्टीरिया। यानी कि इसमें क्या होता है, क्यूब ऑफ बैक्टीरिया जो रहता है वह 8 से लेकर 64, यानी 8 to 64 या उससे ज़्यादा बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करता है, तो उसे हम लोग सेरिसिनी के अंतर्गत रखते हैं। एग्जाम्पल में सेरिसिनिया लूटिया या इसका एग्जाम्पल है, फिगर भी आप देख सकते हैं। इसके बाद
जो कॉक्साई बैक्टीरिया है उसका जो अगला टाइप है वह स्टेफाइलोकॉकस है। स्टेफाइलोकॉकस का क्या होता है, व्हेन कॉकस फॉर्म ए स्ट्रक्चर लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स, जैसे ग्रेप्स, ग्रेप्स का मतलब अंगूर के जो गुच्छे होते हैं उसके आकार का एक कॉकस जो होता है वो फॉर्म करता है, तो उसे हम लोग स्टेफाइलोकॉकस के अंतर्गत रखते हैं। यानी कि लाइक बंच ऑफ ग्रेप, बंच का मतलब होता है गुच्छा, ग्रेप्स का मतलब अंगूर, अंगूर के गुच्छे की तरीके से जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं कॉकस, उसे हम लोग स्टेफाइलोकॉकस के अंतर्गत रखते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है वह स्टेफाइलोकॉकस एपिडर्मिडिस है। ठीक, तो ये बात हो गई कोक्साई बैक्टीरिया की, इसके कोक्साई टाइप के बैक्टीरिया की। इसके बाद जो इसमें जो साइंटिस्ट कोहेन है उनका जो अगला जो टाइप इन्होंने दिया था बैसिलाई का, तो बैसिलाई की अगर हम बात करें उसको हम डिटेल थोड़ा करें, तो बैसिलाई जो है दीज आर रॉड शेप्ड, बैसिलाई जो होती है वो रॉड शेप होती है। हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये बैसिलाई जो होते हैं रॉड शेप होते हैं और सिलेंडर बैक्टीरिया या सिलेंड्रिकल बैक्टीरिया होते हैं। विच आइदर रिमेन सिंगली आर इन ए पेयर, या तो या एक सिंगल होंगे या तो फिर ये पेयर होंगे। एग्जाम्पल में जैसे बैसिलस सरसिनस या इसका एग्जाम्पल है। तो इसमें जो पहला इन्होंने बैसिलाई जो है, बैसिलाई में जो पहला इसका टाइप है पहला जो है वह डिप्लो बैसिलाई है। डिप्लो बैसिलाई का मतलब होता है इसमें जो बैसिलाई रहते हैं ये रॉड, मतलब बैसिलाई का मतलब हो गया कि यहाँ पर ये क्या हो गया, रॉड शेप होगा, एक रॉड के आकार का होगा। तो इसमें जो डिप्लो बैसिलाई का मतलब होगा यहाँ पर दो रॉड आपस में मिले रहेंगे, तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट रहेगा उसे हम लोग डिप्लो बैसिलाई बोलेंगे। तो डिप्लो बैसिलाई में जो हमने चीज़ यहाँ पर मेंशन की है, एज इन ए डिप्लो बैसिलाई आल्सो एग्जिस्ट इन ए पेयर, यह एक पेयर में पाया जाएगा। आफ्टर सेल डिवीजन होने के बाद दी टू सेल्स डू नॉट डिवाइड, इसकी जो सेल होगी वह दोनों डिवाइड नहीं करेगी, एंड ग्रो इन एन अटैच अरेंजमेंट, ये दोनों आपस में अटैच हो जाएगी और एक अटैचमेंट का फॉर्मेशन यहाँ पर करेगी। तो इस तरीके का जो अटैचमेंट रहता है उसे हम लोग डिप्लो बैसिलाई के अंतर्गत रखते हैं। तो बैसिलाई जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, रॉड शेप होते हैं, और दो रॉड जब आपस में यहाँ पर मिल जाते हैं, मिलकर एक नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसे हम लोग डिप्लो बैसिलाई के अंतर्गत रखते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल में जैसे इसमें क्या है, कोसिला ब्रूनेटी और क्लिस्प्रेला रिधिन क्लिरेमेटिस, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये बात हो गई बैसिलाई बैक्टीरिया की। अगर हम बैसिलाई बैक्टीरिया के और टाइप की बात करें तो इसमें अगला जो है वह स्ट्रेप्टोबैसिलाई। स्ट्रेप्टोबैसिलाई क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, एक चेन के रूप में रॉड इसमें लगे रहते हैं, तो इस टाइप का अरेंजमेंट जो रहता है उसे हम लोग स्ट्रेप्टोबैसिलाई बोलते हैं। तो इसमें जो चीज़ें लिखी गई, इन दिस ग्रुप बैक्टीरिया आर अरेंज इन ए चेन, इन यह ग्रुप में बैक्टीरिया जो रहते हैं एक चेन के रूप में अरेंज रहते हैं, एक श्रृंखला के रूप में अरेंज रहते हैं। दिस रिजल्ट फॉर्म ए सेल डिवीजन इन ए सिंगल चेन, और यह इसका रिजल्ट जो होता है एक सिंगल चेन में सेल का डिवीजन होता है। इसका एग्जांपल जो है स्ट्रेप्टोबैसिलाई मोनिलोफॉर्मिस और स्ट्रेप्टोबैसिलस लिवोडेटी, ये इसके एग्जांपल हैं। बैसिलाई बैक्टीरिया के जो अगले टाइप हैं वह कोकोबैसिलाई हैं। कोकोबैसिलाई क्या होते हैं, एक सिंगल बैसिलाई के होते हैं। एज द नेम सजेस्टेड कोकोबैसिलाई रिजम्बल बोथ कोक्साई एज वेल एज बैसिलाई, या कोक्साई बैक्टीरिया और बैसिलाई बैक्टीरिया जो रहते हैं दोनों से मैच करते हैं। दीज आर शॉर्टर, ये शॉर्टर होते हैं इन साइज, साइज में शॉर्टर होते हैं, एंड दस आप अपीयर स्टम्पी या स्टम्पी की तरह दिखते हैं, थोड़ा सा राउंडेड की तरह। ठीक, इसमें क्लेमाइडिया टेट्रोमैटिस हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, इसके बाद जो अगला टाइप है बैसिलाई बैक्टीरिया का वो है पैलिसेडी। पैलिसेडिस क्या होता है, पैलिसेडिस क्या होते हैं, ये जो रॉड रहते हैं आपस में एक अरेंजमेंट के रूप में अटैच रहते हैं। ठीक, तो दी बैसिलाई बेंड्स एट द पॉइंट ऑफ डिवीजन फॉलोइंग द सेल डिवीजन रिजल्टिंग इन ए पैलिसेड अरेंजमेंट रिजेंबलिंग ए पिक फेंस, एक फेंस के एक दीवार की तरीके से अरेंजमेंट करते हैं, एंड एंगुलर पैटर्न दैट लुक लाइक चेन लेटर, एक चेन लेटर की तरह फॉर्मेशन करते हैं, एक दीवार की तरह फॉर्मेशन करते हैं, तो इसे हम लोग पैलिसेडी के अंतर्गत रखते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई है। ठीक, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया जो कि डिप्थीरिया का कॉजल एजेंट है, डिप्थीरिया जो फैलती है वह एक बैक्टीरियल डिजीज है,
उसका जो कॉजल एजेंट है जिस बैक्टीरिया से फैलता है उसे हम लोग कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई के नाम से जानते हैं। तो ये बातें हो गई जो बैसिलस आपका बैक्टीरिया था, बैसिलाई था उसकी। इसके बाद अगर हम वाइब्रो की बात करें तो जो वाइब्रो बैक्टीरिया होते हैं हमने बताया कि एक कर्व्ड होते हैं, घुमावदार होते हैं और कॉमा शेप होता है, जिस तरीके से हम कॉमा लगाते हैं उस से वैसा शेप इनका रहता है। तो यह बैक्टीरिया जो होते हैं इनका एक सिंगल जीनस पाया जाता है जिसे हम लोग वाइब्रो कॉलोरी बोलते हैं। और फिगर में आप देख सकते हैं इनका स्ट्रक्चर जो है कॉमा शेप का है। इसके बाद अगला जो है वह स्पाइरिला है। अगला जो बैक्टीरिया हमने बताया था कौन सा, स्पाइरिला। स्पाइरिला क्या होते हैं, दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर स्पाइरल। यह जो बैक्टीरिया होते हैं वह स्पाइरल होते हैं, स्प्रिंग लाइक होते हैं, विच मल्टीपल कर्वेचर, इसमें मल्टीपल कर्वेचर पाए जाते हैं एंड टर्मिनल फ्लैजिला, और टर्मिनल फ्लैजिला पाया जाता है एग्जाम्पल में स्पाइरुलम वोल्यूटेंस इसका एग्जाम्पल है। तो ये हमने शेप और बैक्टीरिया के शेप और साइज के आधार पर हमने उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बताया जो कि डॉक्टर जो कि एक साइंटिस्ट थे मोहन, उन्होंने कोहन साइंटिस्ट जो थे कोहन COHN कोहन साइंटिस्ट कोहन ने इसको शेप और साइज के आधार पर बैक्टीरिया को चार भागों में डिवाइड किया था, कोक्साई, बैसिलाई, वाइब्रियो और स्पाइरिला। तो इसमें क्या कैसा अरेंजमेंट किस किस बैक्टीरिया का इसके बारे में हमने आपको बताया। कोक्साई जो होता है वह कितने टाइप का होता है, मोनोकॉकस, डिप्लोकॉकस, स्ट्रेप्टोकॉकस और भी इसमें जैसे टेट्राकॉकस, सैरिसिनी, स्टेफाइलोकॉकस, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया। बैसिलाई हमने बताया डिप्लो बैसिलाई और इसके अलावा स्टेप्टो बैसिलाई, कोको बैसिलाई, पैलिसेडी, इन सब चीज़ों के बारे में बताया कि जो बैसिलाई हैं वो कितने टाइप के थे। इसके बाद जो अगला है वह वाइब्रियो, वाइब्रियो का मतलब हमने बताया कि इसका एक सिंगल ग्रुप है जिसे हम लोग वाइब्रो कोलोरी बैक्टीरिया के थ्रू होता है, एक सिंगल ही जीनस इसमें है। इसके बाद अगला जो है वह स्पाइरिला है। तो ये सब हमने बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन बताया कि शेप और साइज के आधार पर बैक्टीरिया को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। साइंटिस्ट कोहन ने इसे डिवाइड किया है 1872 में। साइंटिस्ट कोहन ने इस बैक्टीरिया को शेप और साइज के आधार पर फोर मेजर टाइप में इसको डिवाइड किया गया। तो यह एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।